ग्रैंड में नारा था 65 पार, 28 पर गाड़ी अटक गई। आप भारतीय संविधान को तार तार करते रहेंगे और इस देश की जनता चुप रहेगी है? इस देश की जनता को, युवा पीढ़ी को आपने पागल समझा है। इसने जनता ने, झारखंड की जनता ने नरेंद्र मोदी और उसकी सरकार के मुंह पे कड़ा तमाचा मारा है, जिसकी गूंज इन्हें आने वाले 5 साल तक सुनाई देगी। आज ये भारतीय संविधान को, आर्टिकल 14 को, आर्टिकल 15 को, आर्टिकल 20 को तार तार कर रहे हैं, भारतीय संविधान को तार तार कर रहे हैं CAA और NRC के जरिए। NRC ऐसी फर्जी NRC लाए जिसमें भारत के चौथे राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद के परिवार का नाम नहीं है। जब राष्ट्रपति के परिवार का नाम नहीं है तो आम जनता का क्या हाल होगा? और मुझे तो आप लोगों के ऊपर भी शर्म आती है जो आज आप भी इस देश की जनता को सच दिखाने का कार्य नहीं कर रहे। भारतीय मीडिया जो पूरी तरह बिक चुकी है, भारतीय मीडिया जो पूरी तरह बिक चुकी है, आज इस देश का बेड़ा गर्क हो चुका है। इस देश के युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा, इस देश की GDP गिरती जा रही है और आप चुप बैठे हैं। आपको सिर्फ नरेंद्र मोदी के गुणगान करने से फुर्सत नहीं है। पाकिस्तान में आए इमरान खान की कितनी बीवियां हैं, वो क्या बना रही हैं, क्या खा रही हैं, आप ये दिखा रहे हैं? अरे भैया, हम हिंदुस्तान के नागरिक हैं, हम इस हिंदुस्तान की जनता है, हमारे बारे में दिखाइए ना कि हमारे देश का प्याज कहाँ जा रहा है, हमारे देश की GDP कहाँ जा रही है और हमारे देश के प्रधानमंत्री कहाँ घूमने जा रहे हैं, ये दिखाइए ना। आज हमारे देश के संविधान का अपमान हो रहा है। CAA और NRC के जरिए आज नरेंद्र मोदी और उसकी सरकार इस देश के लोगों को हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के नाम पे बांटने का कार्य कर रही है। अरे मैं आपको बताना चाहता हूँ नरेंद्र मोदी जी, इस देश के लोगों ने तो अंग्रेजों को खदेड़ दिया इस देश से, और आप जैसों की तो औकात ही क्या है, आपको तो ऐसी जगह फेंका जाएगा कि आप कभी आओगे नहीं। और आप कहते हो कि मैं फकीर हूँ, झोला उठा के चला जाऊंगा, आपके झोले में ही आग लगेगी, सबसे पहले झोला फूकेगी इस देश की जनता। क्या कहेंगे झारखंड में जिस तरह से आज जो है BJP की हार हुई है, क्या कहेंगे? देखिए, पहली बार देश में पहली बार आपने देखा होगा कि कांग्रेस पार्टी जीती है।